हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज विद डॉक्टर एस के जैन। दोस्तों, घर पे माँ बाप अपने बच्चों को हर तरह की जानकारी देते हैं। अगर बच्चा एक उड़ता हुआ हवाई जहाज देखता है तो बताते हैं, देखो बेटा एरोप्लेन उड़ रहा है। लेकिन जब बात आती है सेक्स एजुकेशन की तो ना बाबा ना, बच्चे बिगड़ जाएंगे। नतीजा, बच्चे इधर उधर से अधकचरा ज्ञान लाते हैं और फिर पनपती हैं सेक्स से जुड़ी हुई भ्रांतियाँ और समस्याएं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश है कि इस विषय पर खुलकर चर्चा हो और हम आपकी समस्याओं को रखें अपने एक्सपर्ट के साथ। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर एस के जैन, जो कि एक वर्ल्ड फेम साइकोसेक्सोलॉजिस्ट हैं। सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य की चाहतें, उमंगे और जरूरतें उसके साथ चली है। इन स्वाभाविक जरूरतों में सबसे प्रमुख है सेक्स, यानी एक आनंदपूर्ण सामाजिक जीवन। इसलिए जरूरी है कि हमें सेक्स के प्रति सही जानकारी मिले और गलत उपायों से हम अपना जीवन नष्ट ना करें। कुछ इसी तरह का कार्य कर रहे हैं इस विधा के पुरोधा भारत के शीर्ष साइको सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के जैन। आपने सन 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की उपाधि प्राप्त की। इसी के साथ आपने अपने टैलेंट और लगन के बलबूते पर लंदन से MRSH जैसी प्रतिष्ठित संस्था की सदस्यता प्राप्त की। डॉक्टर एस के जैन ने प्राचीन आयुर्वेद पद्धति के साथ आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का मिश्रण करते हुए बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। इस क्लिनिक के द्वारा एक ही छत के नीचे प्राचीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा आम लोगों को उनकी सेक्स समस्याओं से मुक्ति देते हैं। और इस कार्य में डॉक्टर जैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है उनकी मेहनती व सेवाभावी रिसर्च टीम। डॉक्टर जैन को इन्हीं प्रयासों के कारण अनेक बार कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर एस के जैन एक ईमानदार, सफल तथा विश्वसनीय व्यक्तित्व है। आप मानव समाज के लिए एक वरदान है। डॉक्टर जैन के लंबे अनुभव का लाभ लाखों लोगों ने लिया है और अब बारी है आपकी। आइए स्वागत करते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर एस के जैन साहब का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज में। वेरी मच, थैंक यू। डॉक्टर साहब, शुरुआत में मैंने कहा था कि बच्चों को माँ बाप हर तरह की बात बताते हैं, लेकिन सेक्स एजुकेशन की बात आती है तो वो इस बात को टॉर्च देते हैं, कतरा जाते हैं। आप क्या क्या कहना है कि इस बारे में किस तरह से माँ बाप इनिशिएटिव लें कि बच्चों से इस विषय पर भी बातचीत हो जाए? देखिए, इसको बच्चों को एजुकेट करने के मामले में कई तरीके होते हैं। पहला है कि आप उनको प्यार से उस चीज़ को धीमे धीमे, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उस हिसाब से उनको समझाते जाएं, ज्ञान देते जाएं, सारा ज्ञान एकदम से देने की कोशिश ना करें। सेकेंड थिंग, कोई अच्छी पुस्तक बच्चों को पढ़ने के लिए दीजिए, जिससे कि उनको एक प्रॉपर नॉलेज हो, ज्ञान हो कि किस उम्र में क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं और उसका क्या अर्थ है। यदि वो इतना ही जान जाएंगे और यदि पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा दें, मैं आपसे बता रहा हूँ कि मतलब जो है वो ज़्यादा भ्रांतियाँ नहीं होंगी, और अगर भ्रांतियाँ नहीं होंगी तो ज़्यादा मतलब जो है वो ये सेक्सुअल प्रॉब्लम जो आज हर चौथे व्यक्ति में देखने के लिए मिलती है वो नहीं होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं कार्यक्रम में। ये ईमेल आया डॉक्टर साहब दुबई से। जी, ये लिखते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरी दो दो बीवियां हैं और अब मेरी उम्र 40 साल की हो गई है जी, लेकिन अब मैं उनको उस तरह संतुष्ट नहीं कर पाता। मेरे पास में इसी प्रकार का अभी एक हफ्ते पहले दुबई से एक कॉल आई थी, मुझसे कुछ शायराना अंदाज में कह रहे थे। जी जी डॉक्टर साहब, मैंने उनकी बात काफ़ी अच्छी लगी। वो मुझसे बोल रहे थे फ़ोन पे कि यही जब मिट गई मरने से बदतर जिंदगानी है, यही जब मिट गई मरने से बदतर जिंदगानी है और वशर के वास्ते दुनिया में जो कुछ है जवानी है। तो एक्चुअली ये है कि इन्होंने जो ये लिखा है कि 40 साल की उम्र है और दो इनकी शायद वाइफ हैं, तो अगर भाई दो वाइफ है तो उस हिसाब से आपको अपने को मेंटेन भी तो रखना चाहिए। बिल्कुल, मेंटेन कर रखने का अर्थ ये है कि किसी एक्सपर्ट से मिलके आप उसे अपनी फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली जांच करवाएं, उसे काउंसलिंग करें,
और यदि वो आपको कुछ सजेस्ट करता है, आपको अच्छी एक लाइफ स्टाइल बताता है, अरे दो तो क्या आप मतलब जो है वो अगर तीन भी हों तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल, 45 साल की उम्र इन्होंने बताई, हो सकता है इस कारण से वो सोच रहे हो कि उम्र ज़्यादा हो गई है। इसकी जो एज ग्रुप है वो अगर बाई दी आदमी एक एक्सपर्ट के अंडर में केवल लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखना सीख ले तो ये बात आज के आधुनिक जो सर्वेक्षण हो रहे हैं, जो वैज्ञानिक शोध हुए हैं उसके हिसाब से 70-80 तक ये पावर बिल्कुल नॉर्मल रहती है। बिल्कुल, इनकी उम्र तो अभी कुछ भी नहीं। बिल्कुल, हाँ डॉक्टर 45-40 बताई थी, सॉरी जी। तो आपका कहना है कि इनको एक विशेषज्ञ से मिलकर अपनी जो है जांच पड़ताल मिलना चाहिए, कर सकते हैं। और यदि एक्सपर्ट से मिल लेंगे तो बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, धन्यवाद आपका ईमेल करने के लिए। और डॉक्टर दूसरी ईमेल है, लिखा है कि मेरी उम्र 40 साल है जी और मेरी पत्नी का 7 साल पहले स्वर्गवास हो गया, मेरे बच्चे सब बड़े हैं और मेरी सेक्स की इच्छा बहुत होती है और क्या करूं, दूसरी शादी के लिए बच्चे मना करते हैं। अगर बाई दी 46 साल आपकी उम्र है तो आई विल सजेस्ट यू कि दूसरा विवाह करने में कहीं से भी आपको बिल्कुल कमी नहीं रखनी चाहिए। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, यदि आप बच्चों को सिंपैथिकली अपने विश्वास में लेकर उनको समझाएंगे कि बेटा आपकी परवरिश और अच्छी होगी, उसमें कोई कमी नहीं आने पाएगी, तो मैं समझता हूँ कि बच्चे भी संतुष्ट हो जाएंगे और आपकी जो इगर है जो एक नॉर्मली होती है इस उम्र में, वो इगर भी आपकी मतलब जो है वो मेंटेन हो जाएगी। यू कैन डू। ओके डॉक्टर, अगला लेटर लेते हैं। इसमें लिखा है कि डॉक्टर मेरी उम्र 32 साल है और मेरी अभी साल भर पहले शादी हुई है, मैं सहवास करते समय जल्दी स्क्रैकल हो जाता हूँ तथा तनाव भी जो है लिंग में पूरा नहीं आ पाता, मैं क्या करूँ? जी, अगर 32 साल की उम्र में ये प्रॉब्लम है तो आई विल सजेस्ट हिम कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी तो उनकी खेलने खाने की उम्र है। और इस उम्र में यदि बाई दे आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो बेशक आप उस पर ध्यान दीजिए कि कहीं बचपन की कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नासमझियाँ तो नहीं कर ली हैं, या जवानी में कुछ ऐसी भूलें तो आपने नहीं कर ली हैं जो कि अब आपको सफ़र करना पड़ रहा है। एंड इफ़ यू आर सफरिंग देन इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट टू मीट एनी एक्सपर्ट। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं और महीने दो महीने तीन महीने लग के इलाज कर लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। जी हाँ, डॉक्टर ने बात करी कि बचपन में की गलतियों के बारे में। इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, देखते रहिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरी। इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 09-366-0-4444। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com। यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 05224004444 या दिल्ली के क्लिनिक का नंबर 01169413553 पर संपर्क कर सकते हैं। आज की इस दुनिया में जब जिंदगी बिखर रही है, बेपनाह तमन्नाएं हर दिशा में भटक रही हैं, आरजुएं बेकाबू हो रही हैं, तब कहां हैं हम? कहां हैं हमारे सपने? कहां है हमारी सेहत? जनाब, इसी तसव्वुर को सामने रखकर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी कामयाब शख्सियत से जिन्होंने सेक्स और जिंदगी, चाहत और सेहत को नई दिशा दी है। जी हाँ, हिंदुस्तान के मशहूर साइकोसेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर SK जैन। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम तब तक अवेयर ही नहीं होते हैं जब तक कि हम मर्ज की पूरी गिरफ्त में नहीं आ जाते। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, भ्रांति तो मैं समझता हूँ यही है। डॉक्टर SK जैन, जिन्होंने बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड विधानसभा मार्ग लखनऊ को दिया एक नया आयाम, दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांच के रूप में, जिससे न केवल दिल्ली NCR बल्कि पूरे भारतवर्ष और विदेशों से आए हुए मरीजों को अपनी यौन समस्याओं के लिए कामयाब इलाज पाने में न दूरी लगे न देरी। आज हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष से मरीज आते हैं और हम उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, साथ ही अनगिनत मरीज पूरी तरह से सेटिस्फाइड होकर जाते हैं। डॉक्टर नितिन रोगियों की मैरिज काउंसलिंग पर पूरा ध्यान देते हैं। डॉक्टर जैन का सपना है सेक्स संबंधी समस्याओं के लिए बेहतर इलाज का सही प्रबंध और मरीजों का धोखेबाजों और नीम हकीमों से बचाव।
बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड करोल बाग दिल्ली इसी सपने का एक हकीकत रूप है। सेक्स संबंधी किसी भी समस्या के विश्वसनीय एवं गोपनीय उपचार की सुविधा स्वयं डॉक्टर एसके जैन की देखरेख में यहां उपलब्ध है। सेहत, सेक्स और सुखी जीवन की आस, डॉक्टर एसके जैन का विश्वास। अगर आपकी सेक्सुअल जिंदगी ठहर जाए तो डॉक्टर एसके जैन की दिल्ली क्लिनिक पर आप दस्तक दीजिए। दरवाजा खुलेगा और आप पाएंगे खुशियों का गुलदस्ता लिए खड़ी है डॉक्टर एसके जैन की कुशल और क्वालिफाइड टीम। संपर्क करें बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, झंडे वालान मेट्रो स्टेशन के पास, आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली। आप फोन कर सकते हैं इन नंबर्स पर 011-6941-3553, 099-3510-9999। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं drskjensolutions@gmail.com। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज और हमारे साथ हैं डॉक्टर एसके जैन साहब। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद आपका भी स्वागत और धन्यवाद कि आप इतने अच्छे तरीके से अपनी सवालों के जवाब दे रहे हैं। अपनी जो पूंजी है आपकी ज्ञान की, जो गगरी है, उसको उंडेल उंडेल के दर्शकों को की प्यास बुझा रहे हैं। धन्यवाद उसके लिए बहुत बहुत। और ये ईमेल आया है डॉक्टर साहब, इसमें लिखा है कि मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं, मेरी पत्नी बहुत ही खूबसूरत है, संबंध बनाने के दौरान असहज सा महसूस करता हूँ। मैंने व्याग्रा के बारे में बहुत सुना है लेकिन डॉक्टर के बिना परामर्श के लेना जो है से घबराता हूँ। क्या आयुर्वेद में कोई इस तरह का कारगर दवाई है जो हम ले सकें? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मतलब जितनी भी ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं ये साइंस में साइकोसोमेटिक कही जाती हैं। साइको मीन्स मन और सोमा मीन्स बॉडी। इसमें फिजिकली और मेंटली दोनों इन्वॉल्वमेंट होते हैं, लिहाजा आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अपने मन को और अपने शरीर के विचारों का तारतम्य बनाते हुए, शरीर शारीरिक स्वास्थ्य को फिजिकली मेंटेन करते हुए आप आगे बढ़िए। और जहाँ तक आपने पूछा कि बाज़ार से दवाइयाँ मतलब जो हूँ लेके खाऊं, तो कोई भी समझदार आदमी बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाई बाज़ार से नहीं लेता है, क्योंकि बाज़ार के अंदर तरह तरह की विषाक्त दवाइयाँ, गलत दवाइयाँ जो मरीजों को नुकसान करती हैं, उनके जो बहुत ही ज़रूरी अंग हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ब्रेन, हार्ट, लीवर, स्प्लीन, ब्लैडर, किडनी वगैरह को डैमेज करने की संभावना रहती है। लिहाजा आप यदि बाई दे बाहर से कोई दवाई खरीद के खाना चाहते हैं तो आप डॉक्टर से उसके बारे में परामर्श कीजिए। और जहाँ तक आयुर्वेद का प्रश्न है कि आपने पूछा है कि इससे अच्छी मतलब जो वो दवाइयाँ क्या आयुर्वेद के अंदर हैं, तो मैं दवाइयों को अपने कारखाने में स्वयं निर्माण इसीलिए अपनी देखरेख में करवाता हूँ कि वो पूरी तरीके से दवाइयाँ मरीज को कारगर हों, उसको फ़ायदा हो और जिससे उसकी कोई प्रॉब्लम ना रहे बल्कि खुशहाली हो। हाँ डॉक्टर साहब, बड़ी बहुत सारी इस तरह की दवाइयाँ जो हैं OTC दवाइयाँ जो कि ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, लोग उसको भी जो है सेवन करते हैं अक्सर, तो आपका क्या कहना है कि आपके पास मरीज को एक बार आना चाहिए, आप उसकी केस हिस्ट्री देखें क्या है, तो उसके लिए कौन सी दवा उचित है, फिर आप उसको प्रिस्क्राइब करें? जी हाँ, जरूरी है। जी हाँ डॉक्टर साहब, अगला ईमेल देते हैं, ये चंडीगढ़ से आया है। इसमें लिखा है कि डॉक्टर, मेरी उम्र 25 साल है और मेरा शादी जो है वो 2 महीने बाद है। मुझे अपना लिंग का आकार जो है कम लगता है, जिससे मन में हीन भावना उत्पन्न होने लगी है। क्या शादी के बाद अपनी बीवी को संतुष्ट कर पाऊँगा? क्या लिंग का आकार बढ़ाया जा सकता है? देखिए, जो परेशानी इनकी है, इसके लिए मैं इनको ये सजेस्ट करूँगा कि लिंग के आकार के छोटे या बड़े होने से कोई समस्या नहीं आती है। मेन चीज़ ये है कि मतलब यह द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी राइट एट द टाइम ऑफ द एन्जॉयमेंट। देयर शुड बी द प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन एंड प्रॉपर टाइटनेस शुड बी देयर। अगर बाई द वे उसमें लूजनेस है तो फिर वो चाहे स्मॉल हो या बिग हो, है ना, उससे कोई मतलब जो वो बेनिफिट नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप एक साइकोसेक्सोलॉजिस्ट हैं, तो आकार को लेके हो सकता है कि इनकी मानसिकता बन रही हो जिसकी वजह से हीन भावना आ रही हो, तो क्या कहेंगे आप? या क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पढ़ें। दूसरा पार्ट है, डॉक्टर, इस आकार के कारण मेरे मन में हीन भावना उत्पन्न होने लगी है, और क्या शादी के बाद अपनी बीवी को संतुष्ट कर पाऊँगा? क्या लिंग का आकार
बढ़ाया जा सकता है? नहीं, लिंग के आकार के लिए मतलब जो है वो तरह तरह के ये जालसाज नीम हकीम खतरेजान लोग बैठे रहते हैं, तरह तरह की मतलब यह वो सपने बेचने वाली बातें करते हैं। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि इनसे हमेशा आप बच के रहें, ऐसा कुछ नहीं होता है, इससे आप चिंतित ना हों। यदि बेशक आपको कोई सेक्सुअल वीकनेस है या कुछ अन्य परेशानी है, फिजिकल वीकनेस, तो उसके लिए आप किसी भी एक्सपर्ट से मिलेंगे, आपको प्रॉपर समाधान मिल जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और यदि बाय द वे आपने अपने को किसी भी एक्सपर्ट से फिजिकली मेंटली चेकअप करवा लिया है, काउंसलिंग कर ली है, तो उसमें डर वाली क्या बात है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका ईमेल करने के लिए दोस्तों। और अब अगला डॉक्टर साहब, ये ईमेल है, इसमें लिखा है कि डॉक्टर साहब मेरी उम्र 47 साल है और मुझे 5-6 साल से डायबिटीज़ है और इतने ही वर्षों से मुझे सेक्सुअल वीकनेस लग रही है। डायबिटीज़ की दवाई ले रहा हूँ, अब तो नॉर्मल है परंतु सेक्सुअल प्रॉब्लम बनी हुई है, क्या आयुर्वेद में इसका उपचार है? जी, जैसा इन्होंने कहा कि इनकी उम्र 47 साल की है और इनको डायबिटीज़ है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि डायबिटीज़ से डरे नहीं बल्कि लड़ें। और आपने काफ़ी लड़ने की कोशिश की है, मैं आपकी सराहना करता हूँ। और आपने बताया टेस्ट भी नॉर्मल हैं, और जहाँ तक से आपको जो सेक्सुअल वीकनेस आ रही है, तो जनरली ऐसा अधिकांश मरीजों में पाया गया है, आप घबराएं नहीं। इससे मतलब कोई ऐसा नहीं है कि शरीर के, अगर डायबिटीज़ हो गई है तो शरीर के जो मेन पार्ट्स हैं वो आपके डैमेज होंगे या कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लिहाजा आप इसमें कायदे से, जो आपने पूछा है कि आयुर्वेद में दवाइयाँ हैं या नहीं हैं, आज इस बात को मैं समझता हूँ पूरी दुनिया जानती है कि आयुर्वेद के अंदर ऐसी ऐसी दवाएँ हैं, मैं खुद उनको मैन्युफैक्चर करता हूँ अपने मरीजों के लिए अपनी देखरेख में, और ये पूरी तरीके से काम करती हैं, पूरी तरीके से मरीज ठीक होते हैं, आप भी ठीक हो सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ा सा सिंसियर रहिए, अवेयर रहिए। जी हाँ डॉक्टर साहब, और दर्शकों को देखा आपने कि किसी भी समस्या के हल के लिए अवेयरनेस का कितना अहम रोल है, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है कि हम आपको आपकी समस्याओं के बारे में अवेयर कराएं, जो भ्रांतियाँ सेक्स से जुड़ी हुई हमारे समाज में पनप रही हैं उसके बारे में खुलकर बात करें। अब आइए चलते हैं, नज़र डालते हैं डॉक्टर साहब के 40 साल की मेहनत के अनुभवों पर और उनके अचीवमेंट्स पर। आज की इस दुनिया में जब जिंदगी बिखर रही है, बेपनाह तमन्नाएं हर दिशा में भटक रही हैं, आरजुएं बेकाबू हो रही हैं, तब कहाँ हैं हम, कहाँ हैं हमारे सपने, कहाँ है हमारी सेहत? ये तलाश सिर्फ मेरी नहीं, आपकी, हम सबकी है। इस तलाश में मंजिलें कम, भटकाव ज्यादा हैं। तो कैसे मिले मंजिलों का पता, कैसे संवारें इस जिंदगी को, कैसे जवानी दें नए रूप में यौवन को? जनाब, इसी तसव्वुर को सामने रखकर हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी कामयाब शख्सियत से जिन्होंने सेक्स और जिंदगी, चाहत और सेहत को नई दिशा दी है। डॉक्टर एस के जैन, हिंदुस्तान के मशहूर साइको सेक्सोलॉजिस्ट। डॉक्टर एस के जैन एक खानदानी डॉक्टर ही नहीं, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथी दोनों विधाओं के एक कामयाब और क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। आपने सन 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की उपाधि प्राप्त की। इसी के साथ आपने अपने टैलेंट और लगन के बलबूते पर लंदन से MRSH जैसी प्रतिष्ठित संस्था की सदस्यता प्राप्त की। तमाश बीनों से आपको बाखबर करने, नीम हकीम खतराए जान से आपका दामन बचाने और आपको सेहतमंद बनाए रखने के लिए सही सेक्स का खूबसूरत और आसान रास्ता दिखाने, डॉक्टर एस के जैन अपने बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड के जरिए आप तक पहुंच रहे हैं। इस क्लिनिक के द्वारा डॉक्टर जैन एक ही छत के नीचे प्राचीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा आम लोगों को उनकी सेक्स समस्याओं से मुक्ति देते हैं। डॉक्टर जैन के पीछे मेहनतों का एक लंबा और खूबसूरत सिलसिला है, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं उनके होनहार बेटे डॉक्टर श्रेयांश जैन, डॉक्टर सारांश जैन और उनकी समर्पित टीम। सेक्स से जुड़ी हर छोटी बड़ी समस्याओं का कॉन्फिडेंशियल इलाज करने में
जिंदगी को सेहतमंद बनाने में डॉक्टर एस के जैन को महारत हासिल है। सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए ये है कि जो भी पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे, उनकी बातें हमारे और पेशेंट के बीच में ही रहनी चाहिए, तो उसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। इवन जो उनके रिकॉर्ड्स हमारे पास रहते हैं वो भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं, और जो पेशेंट्स को जो कार्ड हम रजिस्ट्रेशन कार्ड जो इशू करते हैं उसमें भी कुछ नाम नहीं रहता, उसमें केवल रजिस्ट्रेशन कोड रहता है, तो उनकी आइडेंटिटी केवल रजिस्ट्रेशन कोड के द्वारा ही निर्धारित होती है, ताकि बात जो है हमारे और उनके बीच में ही गुप्त रहे। वेलिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जिनकी बुनियाद में है एक खानदानी तजर्बा, मेहनत, ईमानदारी, लगन, विश्वास, सफलता और कुशलता। तो आइए रूबरू होते हैं डॉक्टर एस के जैन से। सबसे ज्यादा गलत फहमियां आज सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ी हुई हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि लोग प्रॉब्लम होते हुए भी उसे नहीं मानते, या यूं कह लीजिए कि अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या शर्म संकोच बस अपनी बात कह नहीं पाते, या शायद उसे अपनी ईगो से जोड़ने लगते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं के साथ साथ सामान्य व्यायाम से लोगों को चुस्ती फुर्ती देते हैं वेलिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड। वेलिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड वेलिंगटन ग्रुप ऑफ मेडिकल रिसर्चेस की एक यूनिट है, जिसमें हमारे पास है एक बेहतरीन क्वालिफाइड कुशल टीम, जो कि अपने मरीजों को प्री एंड पोस्ट एजुकेट भी करती है, और हम लोग दवाइयों को केवल मैन्युफैक्चर ही नहीं करते बल्कि उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उनको ग्रो करते हैं, उगाते हैं, उसके बाद अपनी लेबोरेटरी में उनकी पूरी जांच पड़ताल करके उन दवाइयों का निर्माण करते हैं और उसे अपने मरीजों की सेवा के लिए उपलब्ध कराते हैं। समाज में सेक्स संबंधित तकलीफों से लोगों को मुक्त कर उन्हें आनंददायक जीवन लौटाने के लिए डॉक्टर एस के जैन को दुनिया के कई प्रतिष्ठित और शीर्ष पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनके अलावा भी आपको देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया गया है। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि आप डॉक्टर एस के जैन के अनुभवों का लाभ उठाएं और सक्सेसफुली और सेक्सफुली जिंदगी जिएं, समझदारी से, होशियारी से। अगर आप डॉक्टर एस के जैन से संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा पता है बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, झंडे वालान मेट्रो स्टेशन के पास, आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली। आप फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 011-6941-3553। हमारा दूसरा पता है बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, बर्लिंगटन क्रॉसिंग 28/A, विधानसभा मार्ग, लखनऊ। आप फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 0522-400-4444। हमारे मोबाइल नंबर हैं 09935-109999 और 09935-562999। हमारा ईमेल आईडी है drskjainsolutions@gmail.com। इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 09936-04444। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com। यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 05224004444 या दिल्ली के क्लिनिक का नंबर 01169413553 पर संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने आपके कैरियर के 40 साल के सक्सेसफुल कैरियर का सफ़र देखा और वाकई काबिल दाद है, और चलते चलते मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे दर्शकों के साथ कोई मैसेज शेयर करें। मैं अपने दर्शकों से केवल इतना ही कहना चाहता हूं
कि अपनी लाइफ स्टाइल में कई चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें ख़ास तौर से अपने खाने पीने की जो आपकी हैबिट्स हैं उनको थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके खाने पीने के हैबिट्स के बारे में। एंड मैं आपको आखिर में इतना ही मैसेज कहूँगा कि आफ्टर लंच रेस्ट ए वाइल, आफ्टर लंच रेस्ट ए वाइल एंड आफ्टर डिनर वॉक ए माइल। थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात कही कि आफ्टर लंच रेस्ट ए वाइल एंड आफ्टर डिनर वॉक ए वाइल। और डॉक्टर साहब, इसके साथ ही आज के एपिसोड का समय भी जो है यहीं तक था। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। कल अगले एपिसोड में यहीं फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, अपने सेक्स से जुड़ी समस्याओं को, भ्रांतियों को हमारे साथ खुलकर शेयर कीजिए। हम उनको रखेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर एस के जैन साहब के साथ। तो अभी इतना ही, कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, शब खैर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।